देशांतर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ मैं हूं सुनील यादव। आप देख रहे हैं एनबीटीवी निष्पक्ष बात। आइए देखते हैं आज दिन भर की प्रमुख खबरें। मध्य प्रदेश में आंगनबाड़ियों को अब प्ले स्कूल की तर्ज पर चलाया जाएगा, इन्हें बाल शिक्षा केंद्र बनाया जा रहा है। प्रदेश के ऐसे कुल 313 आंगनबाड़ी केंद्रों को पहले चरण में चयनित किया गया है, जिसके अंतर्गत होशंगाबाद जिले की सिवनीमालवा तहसील के ग्राम झकलाए की आंगनबाड़ी का भी चयन किया गया है। तहसील के पहले बाल शिक्षा केंद्र का उद्घाटन सिवनीमालवा तहसील के ग्राम झकलाए में पूर्व विधायक ओम प्रकाश रघुवंशी एवं जनपद अध्यक्ष प्रतिनिधि सुधीर पटेल ने फीता काट कर किया। पूर्व विधायक ओम प्रकाश रघुवंशी ने बताया कि ये कांग्रेस सरकार की बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है, जिसके चलते अब ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों की आंगनबाड़ियों में भी प्ले स्कूल जैसी सुविधाएं मिलेंगी। आपको बता दें कि बाल शिक्षा केंद्र बनाए जाने वाली आंगनबाड़ियों में बच्चों के लिए कई सुविधाएं होंगी। यहाँ बच्चों के मानसिक और शारीरिक विकास के लिए इंडोर और आउटडोर गेम्स की भी व्यवस्था होगी। इन केंद्रों को प्ले स्कूल की तरह सजाया जाएगा और बच्चों को आकर्षित करने के लिए दीवारों पर ज्ञानवर्धक पेंटिंग बनाई जाएंगी। वर्णमाला के अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला के लेटर के साथ ही कार्टून कैरेक्टर, पक्षी, फल, सब्जी, जानवरों का नामों सहित चित्रण होगा। इन बाल शिक्षा केंद्रों में बच्चों के अनुकूल शौचालय, कक्ष, आधुनिक रसोई घर, खेल खिलौना, डिस्प्ले बोर्ड, कंप्यूटर आदि सब कुछ होगा, जिससे कि बच्चों का बचपन से ही मानसिक एवं शारीरिक विकास हो सके। पूरे मध्य प्रदेश के 313 विकास खंडों में बाल शिक्षा केंद्रों का शुभारंभ महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा किया जा रहा है और प्रत्येक विकास खंड से एक आंगनबाड़ी केंद्र का इसमें चयन किया गया है, जिसमें सिवनीवाला विकास खंड से झकलाई केंद्र का चयन किया गया है। बाल शिक्षा केंद्र का जो उद्देश्य है वो ये है कि जिस प्रकार प्ले स्कूल हमारे चल रहे हैं ना प्राइमरी साले वाले, उस प्रकार आंगनबाड़ी केंद्रों को बाल शिक्षा केंद्र के रूप में कन्वर्ट करने का विचार आगामी समय में है और इसके लिए मध्य प्रदेश शासन द्वारा एक विस्तृत कार्य योजना बनाई गई है। बच्चों को पढ़ाने के लिए टाइम टेबल बनाया गया है। 3 से 6 वर्ष के जितने बच्चे हमारे आंगनबाड़ी केंद्रों में आते हैं उन बच्चों के लिए विभाग द्वारा एवं जन सहयोग से बाल शिक्षा केंद्रों का आज प्रारंभ किया गया है। बाल शिक्षा केंद्रों का जो मुख्य उद्देश्य यही है कि जो हमारे ग्रामीण स्तर के बच्चे हैं, छोटे बच्चे, गरीब बच्चे हैं और सारे बच्चे, आंगनबाड़ी केंद्र जो था उसका नाम बाल शिक्षा केंद्र किया गया है, उसको नया रूप दिया गया है। इस नए रूप के अंतर्गत बच्चों के संज्ञात्मक विकास, भाषाई विकास और शारीरिक एवं मानसिक विकास के लिए पूरी एक कार्य योजना, एक टाइम टेबल तैयार किया गया है और उसी अनुसार अब आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों को पढ़ाया जाएगा। लेकिन आज आपके माध्यम से मेरा मध्य प्रदेश शासन से महिला एवं बाल विकास विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों से एक निवेदन है कि बाल शिक्षा केंद्रों में जो हमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है उसको केवल 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 जो औपचारिक शिक्षा है इसके अंतर्गत केवल उसी में वो अच्छी तरह काम करें। इसके अलावा कम से कम बाल शिक्षा केंद्र की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की किसी अन्य कार्य में ड्यूटी नहीं लगाई जाए तो ये बहुत ही अच्छी तरह से हमारा बाल शिक्षा केंद्र संचालित होगा। और दूसरी बात, मेरा जन सहयोग से भी सभी लोगों से निवेदन है कि जन सहयोग करके पूरी तरह से ही बाल शिक्षा केंद्र खुले हैं वो ग्रामवासी इसमें पूर्ण सहयोग करें। साथ ही विभाग से मेरा एक फिर अनुरोध है महिला बाल विकास विभाग से कि समस्त आंगनबाड़ी केंद्रों में पंखे एवं बिजली की व्यवस्था विभाग द्वारा जरूर की जाए ताकि आंगनबाड़ी केंद्रों का संचालन, बाल शिक्षा केंद्रों का संचालन जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हमने इस प्रारंभ किया है उसमें हम सफल हो सकें। ठीक, थैंक यू, धन्यवाद। जनपद पंचायत सिवनीमालवा के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत झकलाए के मुख्य मार्ग के पास से ही जाने वाला रास्ता कीचड़ पानी में तब्दील हो गया है। वहीं इस मार्ग से आने जाने वाले लोगों को कीचड़ के बीच में से ही मजबूरन आना जाना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि इस मार्ग से बहुतायत लोगों का आना जाना है लेकिन ग्राम पंचायत के द्वारा इस ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। वहीं कई बार अधिकारियों से भी निवेदन किया गया परंतु आज तक किसी भी अधिकारी ने इस ओर देखना मुनासिब नहीं समझा। एक ओर शासन जहाँ हर ग्राम पंचायत में रोड बनाने के लिए प्रयास कर रही है, वहीं कुछ ऐसी ग्राम पंचायतें भी हैं जहां आज भी हालात जस के तस हैं। ग्रामीणों ने मांग की है कि जल्द ही गांव का मुख्य मार्ग बनाया जाए ताकि कीचड़ और गंदगी से राहत मिल सके। नाम है आपका? गुलाब भाई। क्या समस्या हो रही है यहां पर? जे कादू कीचड़ में रोज कहां तक जाम है हम।
और बछिया सब हमारे इधर बनते हैं। खेत में आने जाने कितने लोग यहाँ से निकलते हैं? लोग है जहाँ तो 100-150 है, तो सबकी समस्या है। तो किसी से बोले सरपंच वगैरह से बताया तुमने? अभी बताए सर, कोई करते नहीं कुछ, सबसे बोले हमने। क्या बोल देते हैं? कि अभी नहीं हो रहा है, बन गए, एक बार से कच्चा कच्चा बना दिया, वो भी 8 साल। तो वो भी जन सहयोग से बना, मतलब किसान। सिवनी मालवा के कुसुम महाविद्यालय में प्रवेश से वंचित रह जाने वाले छात्र छात्राओं के हित में NSUI जिला अध्यक्ष पृथ्वीराज रघुवंशी, प्रदेश सचिव देवेंद्र यादव सहित नगर अध्यक्ष मोहित रघुवंशी के नेतृत्व में NSUI के सदस्यों के द्वारा पहले तो कुसुम महाविद्यालय की प्राचार्य किरण पगारे से चर्चा की गई। वहीं उनसे कहा गया कि प्रवेश से वंचित छात्र छात्राओं के संबंध में विश्वविद्यालय को अवगत कराएं। वहीं इसके बाद तहसील कार्यालय जाकर SDM रविशंकर राय को ज्ञापन सौंपा, जिसमें उल्लेख किया गया कि जल्द ही कुसुम महाविद्यालय की सीटें बढ़ाई जाएं, जिससे कि छात्र छात्राओं का भविष्य खराब ना हो। साथ ही रजिस्ट्रेशन के लिए साइट दोबारा खोली जाए। इस अवसर पर NSUI के कार्यकर्ताओं सहित पदाधिकारी उपस्थित थे, जिन्होंने बताया कि यदि सीटें बढ़ाने के साथ ही रजिस्ट्रेशन के लिए साइट ओपन नहीं की गई तो आंदोलन किया जाएगा। सिवनी मालवा के ग्राम झकलाय में बाल शिक्षा केंद्र के शुभारंभ के अवसर पर ग्रामीण युवा और सरपंच विकास कार्यों को लेकर आमने सामने आ गए, जहां ग्रामीण युवा ने जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों की उपस्थिति में ग्राम पंचायत के द्वारा किए जा रहे विकास कार्यों में भेदभाव किए जाने का आरोप लगाया, तो वही मंच से ही सरपंच ने इसे साफ नकार दिया। आपको बता दें कि ग्राम झकलाय में जनप्रतिनिधि और अधिकारी सरकार और प्रशासन की खूबियां जहां मंच से गिना रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ मंच पर जब मौका मिला तो ग्रामीण युवा का गुस्सा फूट पड़ा। ग्रामीण युवा ने जहां विकास कार्यों को लेकर जनप्रतिनिधि, अधिकारी और पंचायत को निशाने पर लिया, वहीं गांव के विकास कार्यों की यथास्थिति सबके सामने रख दी। युवा के गुस्से को देखते हुए तुरंत SDM रविशंकर राय ने युवा से माइक अपनी तरफ करते हुए उसकी बात आधी ही रहने के साथ ही अपनी तरफ से कामों को लेकर बिना भेदभाव के काम किए जाने की बात कही। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि गांव के विकास कार्य राजनीति के चलते भेदभाव से किए जा रहे हैं। कार्यक्रम के बाद ग्रामीणों ने पूर्व विधायक ओम प्रकाश रघुवंशी को घेर उनके सामने भी समस्याओं का पिटारा खोल दिया। पूरा काम ऐसा जाति वाति से या पार्टी फिलिंग से मैंने कोई काम नहीं किया। अगर कोई गद्दा पड़ गया कि मुरम डालना है तो हमारे मापदंड में मुरम डालना आते ही नहीं है। पहले तो सीओ साहब बैठे बता दें मुरम डालने का कोई प्रावधान हो तो हम हमारी मर्जी से जगह जगह डलवा देते हैं। पूरी नाली बन रही है सर, पूरी नाली की सफाई भी करवा रहे हैं। अब एक आध गड्ढा कहीं रह जाता है, पानी भर जाता है तो उसमें थोड़ा सा टाइम तो लग ही जाता है। बस यही आपसे निवेदन, ग्रामवासी से भी कहना चाहूंगा कि भाई तरह की भावना है बिल्कुल नहीं रखे कि जातिवाद या किसी राजनीति से। मैंने 4.5 साल काम किया, झकला गेट बना पूरा शेष, वहां जाके देख लो 5 साल में 1 रुपए का काम पूरा काम कर दिया। आज उप सरपंच बेटा 1 रुपए का काम नहीं बचने दिया मैंने। गांव में भी 80% काम कर दिया है, इसके बाकी में पूरा कर दूंगा 20। नहीं नहीं मैं तो खर्च करने के लिए तैयार, 50 लाख रुपए अभी हमारे पास पंचायत में, जैसे जैसे एस्टीमेट मिल जाएंगे, जैसे जैसे एस्टीमेट मिलेंगे शासन से वैसे वैसे मैं प्राप्त कराऊंगा। क्यों? कुछ मापदंड शासन के हैं जो कि हम नहीं कर सकते, ये सीओ साहब के आप जानकारी कर सकते हैं। वंशी ग्राम झकलाय का रहवासी हूँ और मेरे गांव में सरपंच साहब ने जो महिला बाल विकास के अंतर्गत जो प्रोग्राम आज हो रहा है उसमें रातों रात पेंट पुतवा दिया गया, साफ सफाई हो गई, बाथरूम लेटरिन सब ओके करवा दी गई है। ये तो इतने दिनों से सारे जंजर पड़े हुए थे, उसके बाद रातों रात ड्रेस बंटवा दी गई है बच्चों को। हमारे स्वास्थ्य विभाग की पूरी ददारे हो रही हैं और पानी चारों तरफ भरा हुआ है, उसमें जाने में भी डर लगता है। पल्स पोलियो अभियान में सब बोलते हैं, शिकायत सब देते हैं, लेकिन कोई कुछ नहीं करता। यहाँ पर कांग्रेस बीजेपी का ज़्यादा दौर है कि वो कांग्रेस वाले हम बीजेपी वाले, तो हमारे मोहल्ले में सौतेला व्यवहार चल रहा है। नालियों में कोई देख रेख नहीं, कोई साफ सफाई नहीं, उसके बाद पाउडर भी नहीं डलवा रहे हैं और 2-3 महीने में आचार संहिता लग जाएगी और उसके बाद फिर बोल देंगे अगला सरपंच देखेगा, तो ऐसा नहीं चलेगा। अच्छा, आपको लगता है कि जो आज रातों रात में जो काम किया है स्थानीय प्रशासन ने जी, वो अधिकारियों को खुश करने के लिए किया? जी, अधिकारी जब आते हैं तो इन्हें सभी को डर लगता है, तो रातों रात सभी काम हो जाता है, नहीं तो सब पड़े हैं, चल रहे हैं, शिक्षक आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, खाना बन रहा है नहीं बन रहा टाइम से, वो उनके ऊपर है, कौन देखने आ रहा है स्कूलों में। क्या लगता है गांव की मूलभूत जरूरतें क्या है? ज़रूरत तो बहुत कुछ है, लेकिन छोटी छोटी शिकायत को अपन किसको बताएं? जब बड़े अधिकारी आते हैं जब ही बताते हैं, नहीं तो सब चुप बैठे हैं, कौन किससे बुराई लेगा। स्वास्थ्य का भी कुछ आपने बताया? स्वास्थ्य विभाग का भी है कि हमारे यहाँ पे कम से कम 10 साल पुरानी अस्पताल बन चुकी है, लेकिन डॉक्टर एक भी नहीं है, सिर्फ मैडम आती है तो उनका पल्स पोलियो अभियान का जो कार्यक्रम है वो करके चली जाती है।
आगे डॉक्टर हो तो हमें सिर्फ मालवा नहीं जाना पड़े, सभी काम यहीं पे हो सकता है। नसरुल्लागंज में बड़े ही धूमधाम से नंद उत्सव मनाया गया, जिसमें नगर की वेश्य समाज की महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वही नन्हे मुन्ने बच्चों ने एक से बढ़कर एक सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी। हमारे संवाददाता संजय कलमोर ने बताया कि नंद उत्सव में कान्हा जी की आकर्षक पालकी बनाई गई, वहीं बच्चों को इनाम भी वितरित किए गए।